और खबर विकास नगर से, नवजात शिशु बालिका को अज्ञात महिला हॉस्पिटल के बाथरूम में छोड़कर हुई फरार। संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। विकास नगर की उप जिला चिकित्सालय में एक अज्ञात महिला के द्वारा वॉशरूम में नवजात बालिका को जन्म देकर और अस्पताल के वॉशरूम में छोड़कर फरार हो गई, जिससे कि अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के प्रभारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जाँच में जुटी है। नवरात्रि में भले ही कन्याओं की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो गर्भ में पल रहे नवजात शिशु कन्या को पैदा कर अस्पताल के शौचालय में जन्म देकर छोड़कर फरार हो गई। ऐसा ही एक मामला विकास नगर उप जिला चिकित्सालय में देखने को मिला है, जहां एक महिला के द्वारा नवजात शिशु कन्या को जन्म देकर फरार हो गई। जब अस्पताल में सफाई नायक सफाई करने के लिए शौचालय के पास पहुंचे, तो वहां बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसे देखकर सफाई नायक ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी और अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया। नवजात कन्या का इलाज किया और उसके बाद सामाजिक संगठन के लोगों ने नवजात शिशु को इलाज के लिए देहरादून ले जाया गया। इस संबंध में चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 8 से 9 बजे के करीब सफाई नायक अस्पताल की सफाई कर रहे थे। एक शिशु के रोने की आवाज आई, जिसे देखकर अस्पताल के कर्मचारियों ने उसको इलाज के लिए देहरादून भेज दिया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि यह मामला सारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है और जांच की जा रही है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तहरीर आने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। उप जिला चिकित्सालय विकास नगर से आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा वॉशरूम में एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया और उसे परित्यक्त अवस्था में वॉशरूम में ही छोड़ दिया गया। तो चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उस बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में ले लिया और उसे एक सुरक्षा की दृष्टि से एक दंपति के सुपुर्द कर दिया गया है और चिकित्सालय द्वारा हमें अभी इस संबंध में लिखित तहरीर दी जा रही है। तहरीर के अनुसार फिर हम उसमें अभियोग पंजीकृत कर तदनुसार कार्रवाई की जाए। सर, कुछ पता चला महिला गाय पर रहती कैसे आई थी? अभी ये जैसा अभियोग पंजीकृत होता है फिर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाएगा और अभी तक तो जानकारी नहीं लग पाई है। जो सर शिशु छोड़ा वो लड़का था या लड़की थी? ये बालिका है। सर पहला नवरात्रा था, कन्या पूजन होती है, ऐसे में इस महिला ने जो एक बालिका को एक ऐसी जगह जन्म दे के छोड़ दिया, तो क्या करें? अभी इसमें तो यही कहा जाएगा कि ये बड़ा दुखद विषय है। बाकी पता नहीं क्या परिस्थितियाँ थी, क्या होता। सर सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखाई गया? अभी ये इसे उजागर नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे अभी वो पंजीकृत होगा तदनुसार फिर वो खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।